बच्चों, लो मैं फिर से आ गई आपसे मिलने। मुझे आपसे मिलकर इतना मजा जो आता है। अच्छा बताओ, मैं क्या लाई हूँ आपके लिए? सही बोला, मैं लाई हूँ एक और मजेदार कहानी और कुछ मजेदार खेल जो हम खेलेंगे उस कहानी को सुनने के बाद। कहानियां सुनना सुनाना मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, सच। बचपन में मैं कभी मम्मी से तो कभी पापा से रोज रात कहानी की जिद करती, पर रोज नई कहानी ढूंढना उनके लिए सोचो कितना मुश्किल होता होगा। मम्मी पापा में कई बार बहस होती कि आज मुझे कहानी सुनाने की किसकी बारी है, और कई बार तो मैं दो कहानियां सुनती, एक मम्मी से और एक पापा से। बड़ा परेशान किया है मैंने उन्हें कहानियों के लिए। जब मैंने पढ़ना सीख लिया तब जाके मेरे मम्मी पापा को छुट्टी मिली। फिर मैं स्कूल लाइब्रेरी से नई नई सुंदर चित्रों वाली कहानियों की किताबें चुनकर घर लाती और चहक चहक कर उनको रोज नई कहानियां सुनाती। ये सिलसिला तो अभी भी जारी है, क्योंकि अब भी मैं चुन चुन कर कहानियां लाती हूँ और आपको सुनाती हूँ, है ना? तो इसी बात पर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। चलो बच्चों, साथ में बोलो, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग दो। आपको याद है ना कि कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से जुड़ा एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो चित्र देखें। तो बताओ इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? मुझे तो यहाँ तीन मच्छर मक्खियां दिख रही हैं, या फिर ये एक ही मक्खी है जो भिन भिना रही है? देखो इसके उड़ते पंखों से और इस बिंदीदार रेखा से तो ऐसा ही लग रहा है कि बड़ी तेज भिन भिना रही है ये, है ना? क्या इस मेंढक के ऊपर भिन भिना रही है ये? और ये जो एक मेंढक बैठा है हाथ पे हाथ रख के, इसकी बड़ी बड़ी आंखें किसे देख रही हैं? क्या ये मक्खी को घूर रहा है? देखो देखो इसकी जीभ कैसे निकली हुई है। क्या मतलब है इसका? ये मक्खी को खाने की तैयारी कर रहा है क्या? क्या मेंढक मक्खी को खाते हैं? सोचो सोचो, कितना बड़ा पत्ता है ये जिस पर मेंढक बैठा है? किस पौधे का पत्ता हो सकता है ये? मुझे तो ये कमल के फूल का पत्ता लगता है। चलो कहानी का नाम देखें, शायद नाम से कहानी के बारे में कुछ पता चल जाए। कहानी का नाम है अब तुम गए काम से। ओ, अब तुम गए काम से, ये तो धमकी लगती है, मानो कोई कह रहा हो कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। पर ये कौन कह रहा है, मेंढक मक्खियों से या मक्खियां मेंढक से? आज किसकी शामत आई है और क्यों? बड़े सवाल उठ रहे हैं, अब तो पता करना ही पड़ेगा। चलो फटाफट कहानी पढ़ते हैं और ढूंढते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं मयूख घोष ने। चलो इसे पढ़ें। मेंढक, अब तुम गए काम से, ततैया बचोगे तो तुम भी नहीं। अरे ये तो मेंढक ने पकड़ लिया मक्खी को, माफ करना मक्खी नहीं ततैया। अब याद आया इस कीड़े का नाम, देखो कैसे पन्ना पलटते ही काम हो गया। हमारा अंदाजा सही निकला, ये मेंढक इस ततैया को खाने की ही तैयारी में था। देखो कैसे हाथ में दबोच रखा है मेंढक ने ततैया को, और कितना बड़ा मुंह खोल रखा है। पर ये ततैया क्या बोल रही है, तुम भी नहीं बचोगे? भला ऐसा क्यों बोल रही है ये, इसकी तो जान खतरे में है। जब जान खतरे में होती है तो लोग ऐसे धमकाते थोड़ी हैं, इसे तो डर लगना चाहिए ना। मेंढक, वो कैसे? ततैया, अपने पीछे देखो। सांप, अब तुम गए काम से, मेंढक बचोगे तो तुम भी नहीं। ये तो पीछे से सांप आ गया और इसने पकड़ लिया मेंढक को। अब तो गया मेंढक, उसकी शक्ल तो देखो,
सही कहा था ततैया ने, लेकिन मेंढक भी वही कह रहा है जो ततैया ने कहा था, बचोगे तो तुम भी नहीं। क्या सोचते हो बच्चों, ऐसा क्यों कह रहा है हमें मेंढक? क्या सांप को भी कोई पकड़ने वाला है? चलो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब सांप, वो कैसे? मेंढक अपने पीछे देखो। लगता है सांप के पीछे उसे खाने वाला कोई जानवर खड़ा है। ये सिलसिला तो बढ़ता ही जा रहा है। ततैया की जान मेंढक के हाथ में, मेंढक की जान सांप के हाथ में, और सांप की जान किसके हाथ में? सोचो बच्चों सोचो। सांप कौन खाता है? नेवला, अब तुम गए काम से। सांप, बचोगे तो तुम भी नहीं। सांप भी गया काम से, उसे खाने नेवला आ गया। अब मुझे पता है क्या होगा, नेवले को खाने कोई और जानवर आ जाएगा, है ना? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो सांप भी वही बात कह रहा है नेवले से, बचोगे तो तुम भी नहीं। नेवला, वो कैसे? सांप, वो देखो ऊपर, चील, अब तुम गए काम से। ये चित्र तो देखो, नेवला तो बिल्कुल हैरान लग रहा है। उसने नहीं सोचा था कि चील भी आ सकती है ऊपर से। देखो देखो उसकी जीभ कैसे निकली हुई है, डर के मारे ये तो हवा में उड़ गया। पर इस बार नहीं कहा नेवले ने कि बचोगे तो तुम भी नहीं। पर ऐसा क्यों? क्या चील को खाने के लिए कोई नहीं आने वाला? चील को कौन खाता है? सोचो सोचो, मैं भी सोचती हूँ। लगता है कोई नहीं खाता चील को। मुझे तो नहीं याद आ रहा ऐसा कोई जानवर या पक्षी जो चील को खाता हो। क्या आपको पता है? ततैया ने मेंढक से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं सबको बचा लूंगा। पर एक छोटी सी ततैया सबको कैसे बचाएगी भला? क्या तरकीब सोची होगी उसने? भला वो चील को कैसे हराएगी? अरे कहीं वो मेंढक को उल्लू तो नहीं बना रही? कहीं उसका इरादा खुद की जान बचाकर भागने का तो नहीं है? चलो देखते हैं भाई आगे इस कहानी में ततैया क्या करते हैं। मेंढक ने ततैये को छोड़ दिया। ततैये ने चील की गर्दन पर जोर से डंक मारा। चील से नेवला छूटा, नेवले से सांप, सांप से मेंढक छूट गया। सबने ततैये को धन्यवाद कहा। अरे वाह, ततैया ने तो सच में सबकी जान बचा ली। कितनी चतुर निकली हमारी छोटी सी ततैया। उसने अपने डंक का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से चील को मजा चखा दिया। जबकि चील तो कितनी शक्तिशाली है, फिर भी एक छोटी सी ततैया चील पर भारी पड़ी, है ना कमाल की बात? क्या हम अपनी चतुराई से बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को भी हरा सकते हैं? सोचने की बात है। मुझे तो ये कहानी बहुत ही पसंद आई। एक के बाद एक जानवर एक दूसरे को धर दबोचते तो बड़ा मजा आता। मैं तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। इस कहानी के चित्र भी तो इतने मजेदार हैं, उनको देखकर भी कितनी हंसी आती है ना? आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छा अब मैं हमेशा की तरह कहानी के बारे में आपसे कुछ मजेदार सवाल करने वाली हूँ, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक मजेदार कहानी, अब तुम गए काम से, और उसे सुनकर मेरे मन में आए थे कुछ सवाल। तो चलो उन सवालों पे चर्चा करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इस कहानी में आप मेंढक होते और ततैया की जगह आपको कोई तरकीब सोचनी होती तो आप क्या सोचते? सोचो सोचो। मैं तो अपनी लंबी मुलायम जीभ से कुछ कमाल करती। पता है आपको मेंढक की जीभ कितनी लंबी मुलायम और तेज होती है, झट से दबोच लेती है अपना शिकार। तो मैं तो जीभ का इस्तेमाल करती, जीभ से गुदगुदी कर देती चील को, या जोर से चूटी काट लेती, चील का ध्यान भटक जाता और सबकी जान बच जाती। आप क्या करते? अच्छा ये बताओ,
ततैया की जगह और कौन सा जानवर सबकी जान बचा सकता था? क्या सांप या नेवला भी कुछ कर सकते थे? क्या सब जानवर साथ में मिलजुल कर कोई उपाय निकाल सकते थे? अच्छा ये बताओ, अगर मेंढक की जगह आप होते तो क्या आप ततैया पे भरोसा करते? क्या आप उसे छोड़ देते? क्या आप मान जाते कि एक छोटी सी ततैया सबको बचा सकती है, कि वो चील जैसे बड़े पक्षी से भिड़ सकती है? ऊपर से ततैया ने तो मेंढक को बड़ा तीखा जवाब दिया था, बचोगे तो तुम भी नहीं। ऐसे में कितना भरोसा कर पाया होगा मेंढक ततैया पे? क्या उसने एक बार भी सोचा होगा कि ततैया उड़कर भाग गई तो? आपको क्या लगता है, अगर आप होते मेंढक की जगह तो क्या सोचकर फैसला करते? मुझे लगता है मेंढक ने ये सब सोचा जरूर होगा, मगर जान बचने की छोटी सी उम्मीद के बारे में सोचकर उसने ततैया को छोड़ दिया होगा। आपको क्या लगता है? और देखो, उसके फैसले ने सबको बचा लिया आज। एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं अपने भाई पर कभी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा मम्मी को जाकर सब कुछ बता देता। मेरी पेंसिल टूट गई तो उसने मम्मी को बता दिया। कभी मैं मम्मी की साड़ी लपेट रही थी तो उसने शिकायत लगा दी। वो मुझे बहुत तंग करता और डांट पड़ने पे ताली मार मार कर हंसता। पर उस दिन जब मास्टर जी ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था, तो मेरे भाई ने मुझे देख लिया था। मुझे तो लगा था कि आज तो मैं गई काम से, अब भाई घर पे बता देगा और मुझे बहुत डांट पड़ेगी मम्मी से भी और पापा से भी। पूरे दिन यही सोचती रही कि जब तक स्कूल की घंटी नहीं बजी। पर उस दिन मेरा भाई मेरे पास आया और उसने मेरे कान में कहा कि वो नहीं बताएगा। सच कहूं तो मेरे पास भी मेंढक की तरह उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर उसने मम्मी पापा से उस दिन मेरी शिकायत नहीं लगाई। मैं बच गई और मेरी और भाई की दोस्ती हो गई। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कुछ ऐसा? अच्छा एक आखिरी सवाल, आसान सा। सोचो चील को कोई क्यों नहीं खाता? सोचो सोचो। क्योंकि वो आसमान में इतनी ऊपर और इतनी तेज जो उड़ती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठती है, उसको पकड़ना तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा, है ना? सोचो ऐसे में चील कैसे चिढ़ाती होगी सबको? क्या कहती होगी? सोचो सोचो, क्या बोलती होगी? सोचो आप क्या बोलते अगर आप चील की जगह होते? पहले पकड़ के तो दिखाओ, उड़ी उड़ी मैं तो उड़ी, उड़ के चली कहीं दूर, या फिर तेरे बस की बात नहीं है ये प्यारे। बच्चों मुझे एक खेल सूझा है। हाँ क्यों ना हम इस कहानी में से कुछ जानवर उधार ले ले और अपनी नई कहानी बनाएं। कितना मजा आएगा ना। इस कहानी में से आप किस किस को चुनेंगे? मैं तो मेंढक को चुनूंगी और चील को। सोचो इस कहानी में क्या होगा? पर मेंढक और चील आमने सामने कैसे आएंगे और उनकी क्या बात होगी? मेंढक चील से कैसे बात करेगा? कहीं चील उसे खा ना जाए, उसे डर नहीं लगेगा? मुझे लगता है कि चील का जन्मदिन है, वो अभी मेंढक को कुछ नहीं कहेगा और शायद मेंढक को ये बात पता है। सोचो कि मेंढक पत्थर के पीछे छिप कर चील को देख रहा है और चील कहता है, डरो नहीं मेंढक, आज मेरा जन्मदिन है, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बताओ ऐसे छिप के क्या देख रहे हो? सोचो अब मेंढक क्या कहेगा? मुझे लगता है मेंढक बोलेगा कि ए चील, इतना ऊपर आसमान में रोज उड़ते हो, तुम्हें तो आसमान से सारी दुनिया नजर आती होगी। मैं तो छोटे से तालाब में रहता हूँ, मुझे बस तुमसे आसमान के ठाट कैसे होते हैं ये पता करना था। और सोचो अगर उसके बाद चील मेंढक को पीठ पे बिठा के आसमान की सैर कराए तो कहानी में कितना मजा आए। कभी सुना है आपने मेंढक से कि चील की सवारी और नीले आसमान में भरी हो एक उड़ान? और सोचो इस कहानी के चित्र कितने सुंदर होंगे। देखा कितना मजा आता है अपनी नई नई कहानी बनाने में।
बस ऐसे ही आप भी चुरा लो इस कहानी से सांप या नेवला या ततैया और बना डालो अपनी एक कमाल की कहानी। आप चित्र भी बना सकते हो अपनी कहानी के लिए, फिर सबको अपनी लिखी हुई नई कहानी सुनाना, लेखक का नाम जरूर बताना। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। आपको कहानी का नाम याद है? अब तुम गए काम से। ये शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं ना इस कहानी में? कभी मेंढक ततैया को कहता है, कभी सांप मेंढक को कहता है, कभी नेवला सांप को कहता है, कभी चील नेवले को कहती है। पर बच्चों, इस शब्द का मतलब क्या है? काम से जाने का मतलब क्या है? क्या अब वो काम करने लायक नहीं रहेगा या उसे काम पर जाना चाहिए? इसका असली मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि वो अब मरने वाला है। एक तरह की धमकी है ये कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जैसे इस कहानी में मेंढक ततैया को कह रहा है कि वो मरने वाला है, सांप मेंढक को कह रहा है कि वो मरने वाला है, समझे आप? मगर हमेशा यही मतलब नहीं होता। जैसे कभी कभी इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे सोचो, अगर कोई होली में पक्का रंग लगा दे कोई दोस्त, तो कैसे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं हम वापस उसको रंग लगाने के लिए। तब निकलता है मुंह से कि अब तो तुम गए काम से। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। अच्छा बच्चों, तो बताओ अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही, अब हम एक मजेदार खेल खेलने वाले हैं। इस खेल का नाम है उल्टे पुल्टे शब्द। तो बच्चों, आपके मम्मी पापा ने कभी ना कभी तो आपसे ऐसा कहा होगा कि आप हर काम उल्टा ही करते हैं, है ना? अब उन्हें कोई बताए, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन आज हम इसी शिकायत का एक मजेदार खेल बना दे तो करना ये है कि जो मैं बोलूं आप उसका ठीक उल्टा बोलना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं बैठी हूं, तो बच्चे आपको बोलना है मैं खड़ा हूं। चलिए मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताती हूं। जैसे मैं सोया हूं, मैं जागा हूं। चलो तो शुरू करें। घड़ी चल रही है, घड़ी रुक गई है, चीनू की आंखें खुली हैं, चीनू की आंखें बंद हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं भूखा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं रुका हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। अरे वाह, क्या बात है बच्चों, सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला, आया ना बहुत मजा? ये खेल आप घर पर भी खेल सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ या भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं मिलकर एक नया खेल खेलें? आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे क, स, प, ग। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं, मात्रा आ, मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना, का, सा, पा, गा। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना, कै, से, पै, गए। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाते हैं। तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। क, स, प, ग, का, सा, पा, गा, कै, से, पै, गए। मैंने एक शब्द बनाया, क और प, बन जाता है कप। एक और, प और ग, क्या बना, पग। एक और बनाती हूँ, पा और सा, बन जाता है पासा। एक और बनाया, पा और स, बन जाता है पास। एक और बनाया, स और ग, क्या बना, साग। एक और बनाया, पै और सा, बन जाता है पैसा। एक और बनाया, कै और सा,
बन जाता है कैसा? पैक और का बन जाता है पैक, स गा बन जाता है सगा। चलो अब तुम्हारी बारी, जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। चलो बच्चों, आपको चील के बारे में कुछ मजेदार बातें बताती हूँ। आपको पता है कि चील बहुत तेज गति से उड़ती है और बहुत ऊंची उड़ान भरती है। ये बहुत दूर तक देख सकती है। वो आसमान की ऊंचाइयों से भी जमीन पर अपने शिकार को पहचान सकती है। उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। इसको पक्षियों का राजा भी माना जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली पक्षी है। ये एक बड़ा तंदुरुस्त खरगोश, बिल्ली या लोमड़ी जैसे बड़े जानवर तक का वजन उठा लेती है। चील बहुत बुद्धिमान भी होती है। पुलिस और सेना भी कभी कभी अपने कामों में चील की मदद लेती हैं। देखो बच्चों, चील की इन्हीं खूबियों की वजह से कोई जानवर चील का शिकार नहीं कर पाता। समझे बच्चों? चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आ पहुंचे हैं। इस खेल का नाम है आगे की कहानी हमें है बनानी। आपको तो पता ही है कि अब आपको क्या करना है। बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक कहानी का चित्र दिखाने वाली हूँ और आपको बताना है कि इस कहानी में हो क्या रहा है। ध्यान से देखना ये चित्र। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो। यहाँ आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? इस चित्र में आपको एक आदमी दिख रहा है। क्या कर रहा है वो? देखो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो पेड़ काट रहा है। पास ही लकड़ियों का एक गुच्छा भी पड़ा है। आस पास लंबे लंबे पेड़ हैं। ये तो घना जंगल लग रहा है ना? ये एक लक्कड़हारा लग रहा है। लक्कड़हारा ही तो जंगल में लकड़ी काटने जाता है ना? अरे देखो, इस चित्र में क्या हो रहा है बताओ बच्चों। ये क्या? ये तो एक भालू आ गया। लक्कड़हारा देखो कैसे डर गया। ऐसा लगता है उसकी कुल्हाड़ी भी हाथ से छूट गई। भालू तो उसी की ओर आ रहा है। अब लक्कड़हारा क्या करेगा? कैसे अपनी जान बचाएगा? अरे देखो, ये घोड़े पर ये लड़का कहाँ से आ गया? लगता है ये जंगल में घुड़सवारी करने निकला होगा। लगता है इसने लक्कड़हारे को मुसीबत में देख लिया। अरे लक्कड़हारा भी इसके पास आ रहा है। देखो, लगता है अब लक्कड़हारा बच जाएगा। देखो, घुड़सवार ने लक्कड़हारे को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। घुड़सवार ने लक्कड़हारे की जान बचा ली। नहीं तो लक्कड़हारा तो आज काम से गया था, है ना? लेकिन लक्कड़हारे का सामान तो वही रह गया। और क्या, भालू अब भी उनका पीछा कर रहा है। सोचो बच्चों, पर इससे आगे सोचने का काम तो आपका है ना? याद है ना अब आपको क्या करना है? अब आपको इस कहानी को लिखकर और चित्र बनाकर इसे आगे बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए आप अपने बड़ों और शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को बड़ा मजा आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अच्छी सी कहानी और मजेदार खेलों के साथ। तो बच्चों, तुम करना मेरा इंतजार। मैं आऊंगी फिर अगली बार। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।